हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव, अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कल हम लोग इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में वैद्युत चालन के अंतर्गत विशिष्ट प्रतिरोध जिसका मात्रक ओम मीटर है, कल हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग उससे आगे चलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। वैद्युत चालन ये हमारा मेन चैप्टर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। यदि किसी चालक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध एक ओम है तो उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 1 उसे प्रतिरोध ताप गुणांक इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। परिभाषा आप लोगों ने देख लिया कि यदि किसी चालक का 0 डिग्री पर प्रतिरोध 1 ओम है तो उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, और इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं, और इसका मान है प्रतिरोध ताप गुणांक का मान या इसका मान 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके आरआरबी में यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो नोट करें। पहली पॉइंट इसमें धातुओं जिन्हें हम चालक कहते हैं या चालक धातुओं ऐसे कह दीजिए, चालक धातुओं हेतु प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि
इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि चालकों का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अगली पॉइंट, जैसे हमारा मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, तो इनका विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता बहुत उच्च है, तो इनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान नगण्य होता है। मैग्नीन नाइट्रोम कॉन्स्टेंटन आदि का विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो अथवा प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है, बहुत उच्च होती है, अतः ताप बढ़ाने पर इसके प्रतिरोध आर पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसलिए इनका प्रतिरोध ताप गुणांक प्रतिरोध ताप गुणांक कोष्ट में अल्फा भी नगण्य होता है। अगली पॉइंट, अर्धचालकों बेटा, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन आदि को गर्म करने पर इनका प्रतिरोध घटता है, इसलिए
इसलिए इनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा अल्फा ऋणात्मक होता है। कोस्ट में निगेटिव लिख दे रहे हैं, निगेटिव होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके आरआरबी गोरखपुर में इलाहाबाद में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ये अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, तो अर्धचालकों के लिए जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक निगेटिव। जबकि चालक धातुओं हेतु प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, क्योंकि आपने परिभाषा ही लिखा है कि यदि किसी चालक का अगर शॉर्ट में कहेंगे ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो चालकों का जब हम लोग ताप बढ़ाते हैं, चालकों का ताप बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध बढ़ेगा, इसलिए उनके लिए चालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान धनात्मक। लेकिन अर्धचालकों में ये विशेषता होती है कि उन्हें गर्म करें या उनका ताप बढ़ावें तो उनका प्रतिरोध बढ़ने के बजाय प्रतिरोध घटने लगता, कम होने लगता है, इसलिए उनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। यही प्रश्न आरआरबी में पूछा था कि किसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक निगेटिव होता है, तो सेमीकंडक्टर के लिए, अर्धचालक मीन सेमीकंडक्टरों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक निगेटिव होता है। इसके अलावा मैंगनीन है, नाइक्रोम है, नाइक्रोम निकल प्लस क्रोमियम है बेटा। ये नाइक्रोम क्या है, तो ये निकल प्लस क्रोमियम की मिश्र धातु है, निकल प्लस क्रोमियम की मिश्र धातु है कि ये मिश्र धातु है। और ये भी बहुत पूछा है कि हीटिंग एलिमेंट इसी के बनाए जाते हैं, हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। ये नाइक्रोम है, नाइक्रोम ये जो है निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु है और हीटिंग एलिमेंट इसी के बनाए जाते हैं। हीटिंग एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1,00,000 बार ये भी पूछा कि हीटिंग एलिमेंट किसके बनाए जाते हैं, इसी नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। जैसे आपके हीटर की क्वाइल जो आप लोग लगाते हैं प्लेट में, वो है प्रेस में है, जिससे आप लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, उस सब में जो हीटिंग लिए हीटिंग हेतु एलिमेंट लगाते हैं वो किस धातु की बनी है, तो उसे हम लोग कहते हैं नाइक्रोम, और नाइक्रोम मिश्र धातु है निकल प्लस क्रोमियम। तो इन धातुओं के लिए जो मिश्र धातुएं हैं, नाम लिखा हुआ मैंगनीन नाइक्रोम कॉन्स्टेंटन, तो इनका विशिष्ट प्रतिरोध रो अथवा प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है, अर्थात ताप बढ़ाने पर इनके प्रतिरोध पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है अथवा नगण्य प्रभाव पड़ता है, इसलिए न तो इनका प्रतिरोध बढ़ता है न ही घटता है, अतः इसलिए इनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा भी नगण्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से इसे देख लें और नोट कर लें। अब हम लोग चलते हैं आगे, चालक धातु जिनका हम लोगों ने कल पढ़ा कि चालक धातु वे हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक है, उन्हें हम लोग चालक कहते हैं। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य है अथवा नहीं है
उनमें से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, इसलिए उन्हें हम लोग कुचालक कहते हैं। और इन दोनों के बीच में कुछ धातुएं ऐसी हैं कि उनमें कुछ थोड़ा मोड़ा धारा का प्रवाह हो जाता है, उन्हें हम लोग अर्धचालक अथवा सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो ये जो मैंगनीज है, नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, इनका ताप बढ़ने पर, ताप कैसे बढ़ जाता है बेटा, जब हम लोग इनका यूज करते हैं, उनमें धारा प्रवाहित कराते हैं, तो धारा का नेचर है कि वो अपना ऊष्मीय प्रभाव छोड़ती है। आप खुद देखते होंगे कि कहीं भी थोड़ा भी शॉर्ट अगर तार हो जाता है या तार कहीं लूज होता है तो उसमें से स्पार्किंग निकलने लगती है और वो गर्म हो जाता है तार, और कभी कभी तो इतना हीट हो जाता है तार कि ऊपर का प्लास्टिक, जिसे आप इंसुलेशन कहते हैं, पीवीसी का लगा होता है, वो भी पिघल जाता है। तो ये धारा अपने आप उष्मीय प्रभाव छोड़ती है, चुंबकीय प्रभाव छोड़ती है, तो इस तरह से अपने आप जो है वो गर्म होने लगता है और उसके ताप में वृद्धि होने लगती है। लेकिन मैंगनीज, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन ऐसी मिश्र धातुएं हैं, नोट करें, ऐसी मिश्र धातुएं हैं जिनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध नहीं बढ़ता है, नगण्य रहता है, इसलिए ऐसी धातुओं का प्रयोग हम लोग जो है रेजिस्टेंस बॉक्स में करते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में करते हैं, ऐसे जगहों पर करते हैं। जबकि चालक धातु, ये चालक है तो इनका, जैसे चालक धातु में हमारा जो है आपको कल घटता हुआ क्रम लिखाया गया था, वो भी जो है 1,00,000 बार पूछा गया आपके कंपटीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो घटता हुआ क्रम पूछेगा, कभी बढ़ता हुआ क्रम पूछेगा, तो आपको लिखाया गया कि अभी तक ज्ञात जितनी भी धातुएं हैं विश्व में, उनमें सर्वाधिक चालक धातु हमारी चांदी है, दूसरा नंबर कॉपर का है, तीसरा नंबर सोना यानी AU का है, और चौथा नंबर एल्युमिनियम का। ये आपका जो है बढ़ते हुए से घटता हुआ क्रम है। तो चालक धातुओं जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, इनका प्रयोग, चालक धातुओं का प्रयोग हम लोग जो है कनेक्टिंग वायर बनाने में या कनेक्शन के वायर में, जैसे वायरिंग वगैरह में इनका प्रयोग करते हैं, सर्किट बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। जबकि मैंगनीज, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, इन सब का प्रयोग हम लोग ऐसे जगहों पर करते हैं जहां पर कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध न बढ़े। तो वह हमारा, जैसे आपने रेजिस्टेंस बॉक्स वगैरह देखा, पोस्ट ऑफिस बॉक्स देखा, ऐसे जगहों पर मीटर सेतु देखा, ऐसे जगहों पर नोट कर लें, मीटर सेतु है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स है और रेजिस्टेंस बॉक्स है, इन जगहों पर हम लोग ऐसी धातुओं का प्रयोग करते हैं कि ताप बढ़ने पर इनका प्रतिरोध ना बढ़े। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बेटा चालकता का अर्थ समझ रहे हैं कि धारा का प्रवाह जिस धातु में जितने इजी गोइंग होगा, हम कहेंगे उसकी चालकता उतने ही अधिक है, और जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, जो धारा के प्रवाह में अवरोध ज्यादा उत्पन्न करेगा, तो हम कहेंगे इसकी चालकता कम है। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, जो ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा धारा के प्रवाह में, उसकी चालकता कम हो जाएगी, और जो धातु, जो कंडक्टर चालक के प्रवाह में कम अवरोध उत्पन्न करेगा, कम प्रतिरोध लगाएगा, उसकी चालकता अधिक होगी। इसी आधार पर हम लोग चालकता की परिभाषा करते हैं कि प्रतिरोध से ही उसकी, कि भाई प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, प्रतिरोध के
व्युत्क्रम को प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, को चालकता कहते हैं। और इसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं बेटा, इसमें से हमेशा एक दो क्वेश्चन मिलते हैं, और जहां पर एक दो क्वेश्चन इस जिस चैप्टर से मिल जाए कंपटीशन में, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो छूट जाएंगे, उनसे क्वेश्चन नहीं पुटअप होंगे, तो वो हम कितना हो पढ़े लेकिन वो उस समय हमको लगता है कि हमारा पढ़ा हुआ बेकार गया। लेकिन ये सब चैप्टर टॉपिक्स जो आपको बताया जा रहा है, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि सदैव इससे क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, तो आप लोग उसे ध्यान से सुने और नोट करें। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, और इसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। अतः चालकता, अतः हो गई अतः चालकता कैपिटल जी बराबर 1/r। कल हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा बेटा, ओम का नियम आपने पढ़ा v बराबर आई आर, इसलिए r बराबर भी बटे आई, आर बराबर भी बटे आई। ये मान अगर यहां पर पुटअप आप कर लेंगे तो यही एक तो ये आपका चालकता के लिए ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो ही गया चालकता के लिए। लेकिन अगर ये पुटअप यहाँ आर के जगह पर भी बटे आई रख देंगे तो यही हो जाएगा, अथवा चालकता जी बराबर 1/v/i। तो ये पलट कर आई ऊपर चला जाएगा, बराबर हो जाएगा आई बाय बी। एक फार्मूला और आ गया कि चालकता जी बराबर आई बाय बी, इसे भी आप याद कर लें। अतः चालकता वैद्युत चालकता जी बराबर आई बाय बी। यहां से मात्रक देखें, चालकता का मात्रक हो गया, अगली पॉइंट मात्रक देखें बेटा, मात्रक 1/ohm। मात्रक क्या हो गया, आर को ओम में मापेंगे तो 1/ohm, अथवा अथवा 1/ohm को कहेंगे मह। क्या कहेंगे, मह। तो चालकता जी का मात्रक है, चालकता जी का मात्रक है 1/ohm कहेंगे, और उसी को महो कहते हैं। यह साई मात्रक इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1,00,000 बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट 1,00,000 बार पूछा गया है। तो जी का यस आई मात्रक, यस आई मात्रक सीमन, यस आई मात्रक सीमन 1 mho बराबर 1 siemen। ये क्वेश्चन बेटा बहुत पूछा है, 1,00,000 बार से ज्यादा बार पूछा है कि सीमन किसका मात्रक है। चार विकल्प दे देगा तो सीमन जो है वैद्युत चालकता का मात्रक। क्लियर हो गया, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता। चलिए आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता
इसे कहेंगे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जैसे बेटा चालकता को हम लोगों ने परिभाषित किया कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, वैसे विशिष्ट चालकता को परिभाषित करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे रो से व्यक्त करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। नोट कर लें, विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अतः विशिष्ट चालकता सिग्मा, विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/ρ। मात्रक देख लें बेटा, विशिष्ट चालकता का मात्रक, इसका मात्रक हो गया, विशिष्ट चालकता का मात्रक हो गया 1/ohm meter। क्या हो गया? 1/ohm meter। 1/ohm को महो भी कहते हैं। रो का मात्रक है विशिष्ट प्रतिरोध, अथवा इसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता, हिंदी में प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो दोनों बातें जानते रहें, चाहे विशिष्ट प्रतिरोध कहें अथवा प्रतिरोधकता कहें, और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो 1/ohm meter हो गया, और 1/ohm को अभी आप लोगों ने चालकता में पढ़ा, कैपिटल जी का मात्रक 1/ohm को महो कहते हैं। इस तरह से बराबर हो गया महो 1/m, बराबर हो गया महो प्रति मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे ऐसे। तो इसका मात्रक हो गया महो प्रति मीटर, महो 1/m या महो प्रति मीटर। अब हम लोग आगे चलते हैं, ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। जब हम लोग बेटा वोल्टेज एडाप्ट करते हैं और किसी परिपथ में आवेश को सर्कुलेट कराते हैं, तो जो कार्य किया जाता है उसे ही ऊर्जा कहते हैं। किसी परिपथ में विभवांतर लगाकर आवेश प्रवाहित कराया जाता है, आवेश इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कराया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कराया जाता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलने लगते हैं और हमें धारा मिलने लगती है। तो इनको प्रवाहित कराने में जो कार्य किया जाता है वही ऊर्जा है, कार्य ही ऊर्जा। तो इस तरह से हम लोगों ने वैद्युत ऊर्जा के लिए जानते हैं कि कार्य ही ऊर्जा है, और वो पढ़े हैं बहुत ठीक फार्मूला W=V/Q। इतना हो गया जूल, W=V/Q जूल, यही आपकी ऊर्जा, कार्य ही ऊर्जा है और जूल में।
फिर हम लोग जो है क्यू बराबर आई टी भी कल पढ़े, तो हो गया डब्ल्यू बराबर वी आई टी जूल हो गया। एक ये भी सूत्र हो गया, एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये भी हो गया। अगला सूत्र ऊर्जा डब्ल्यू बराबर हो गया, ऊर्जा डब्ल्यू बराबर यहां से हो जाएगा वी बराबर आई आर, भी आप लोगों ने पढ़ा ओम के नियम के अनुसार वी बराबर आई आर। यहां पर वी के जगह पर आई आर रख देंगे तो एक आई आर तो हो जाएगा डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी जूल। ये सब बैटू आई स्क्वायर आर टी हो गया। एक और फार्मूला आपका हो जाएगा ऊर्जा बराबर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये भी हो जाएगा जूल। हम लोग जानते हैं बेटा ओम के नियम के अनुसार, ये ओम का नियम के अनुसार वी बराबर आई आर होता है, अतः आई बराबर वी बटे आर, आई बराबर वी बटे आर। तो आई के जगह पर हम लोग वी बटे आर अगर रख देंगे तो यही आप देखेंगे आई के जगह पर, अगर इसी फार्मूले में आई के जगह पर ये आई है, आई के जगह पर वी बटे आर रख देंगे तो ऊपर ऑलरेडी एक वी है तो जाएगा वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी। ये हमारे जो है इस तरह से ऊर्जा के ये सब फार्मूले हैं, जूल में है बेटा। जब आप आवेश को कूलाम में लेंगे, वोल्टेज को वोल्ट में लेंगे तो कार्य अथवा ऊर्जा जूल में आएगा, प्रतिरोध को ओम में लेंगे, इस टाइप से धारा को एम्पियर में लेंगे तो सारे मात्रक ऊर्जा के जूल हैं। और ऊर्जा भी हमारी जो है वह अदिश राशि है, कोई भी चाहे ऊर्जा हो चाहे कार्य हो वो अदिश राशि है। अब इस ऊर्जा को यदि हम लोग चाहें तो कैलोरी में बदल सकते हैं, ये जूल में है, जूल से हम लोग कैलोरी में भी बदल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल या लगभग 4.2 जूल होता है। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं का एक फार्मूला, ये भी आप लोग जानते रहे कि एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल। अथवा तो यहां से अगर हम लोग ज्ञात करें बेटा तो जूल अथवा एक जूल बराबर हो जाएगा 1/4.18 कैलोरी। ऐसे हो जाएगा, यहां से पक्षांतर करेंगे इधर आ जाएगा। अतः बेटा अगर आप यूं कहें कि जूल से हमें कैलोरी प्राप्त करना है तो उसमें 4.18 से भाग देना है। तो इस तरह से अगर इसी में हम लोग भाग दे देंगे तो हमें जो है आंसर कैलोरी में प्राप्त हो जाए, जानते रहे। और कभी कभी राउंड फिगर में 4.18 को 4.2 मान लेते हैं, तो इस तरह से यहां 4.2 से भाग दे देंगे तो हमारा जो है जूल से आंसर कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, विद्युत सेट अगली पॉइंट है बेटा हम लोगों की, वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति पावर जिसे कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अभी आपने कार्य ही ऊर्जा पढ़ा तो आगे भी लिखेंगे कार्य करने की
की दर को शक्ति दर, आता बेटा शक्ति यानी इसे पी से डिनोट करें, पावर पी है तो शक्ति पी बराबर हो गया कार्य डब्लू बटे टी, कार्य करने की दर को शक्ति दर। मात्रक बेटा हो गया कार्य को जूल में और बटे समय को सेकेंड में, जूल प्रति सेकेंड, और ये बराबर होता है वाट। नोट करें बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहते हैं। एक हार्स पावर बराबर 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ये बेटा ब्रिटिश में है, ये ब्रिटिश में है बेटा, जबकि मैट्रिक में, मैट्रिक में 1 HP बराबर 735.5 वाट। वाट है बेटा, और ये मैट्रिक में। अगली पॉइंट आप देखेंगे कि जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहते हैं बेटा। बड़ा मात्रक जो है हार्स पावर है, बहुत ज्यादा आपकी मोटर बोली जाती है कि इतने हार्स पावर की है, ये इतने हार्स पावर का है, अथवा वाट में दिया जाता है, इसलिए दोनों बातें जानना यहाँ पर जरूरी है कि ब्रिटिश में एक हार्स पावर जिसे आप अश्वशक्ति कहते हैं, एच फॉर हार्स, पी फॉर पावर, यानी हिंदी में कहेंगे एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, जबकि एक हार्स पावर बराबर अगर मैट्रिक में लेंगे तो 735.5 वाट होता है। आगे आप देखेंगे, यहीं से अगर आप देखें बेटा, तो यदि कार्य अथवा ऊर्जा में समय से भाग हो जाए तो पावर हो जाता है, और यहीं से कार्य या ऊर्जा बराबर देखेंगे तो P इंटू टी हो जाता है। एक ही फार्मूला है, इसको ध्यान से देखें तो आप ऐसे भी कोई लड़का लिख सकता है, अगर W को हम लिखें कार्य, कार्य ही ऊर्जा बेटा। अभी आपने परिभाषा पढ़ा कि आवेश को प्रवाहित कराने में जो कार्य किया जाता है उसे ही ऊर्जा कहते हैं, तो कार्य ही ऊर्जा है। तो इस तरह से कार्य या ऊर्जा W बराबर हो जाएगा बेटा, W बराबर हो जाएगा P गुणे T। देखिए ना ये फार्मूला, P गुणे T, यानी आप, आपके समझ में आ गया होगा P पावर शक्ति है, और शक्ति में यदि समय से जुड़ा हो जाता है तो हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, कार्य प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से अगर बेटा इसे वाट में कहें और टाइम को सेकेंड में आ जाए, तो वाट गुड़े सेकेंड जब आ जाएगा तो इसे अब आप कहेंगे कि ये ऊर्जा का मात्रक हो गया। वाट गुड़े सेकेंड, पावर की, अभी आपने पढ़ा पावर को वाट में मापते हैं, तो इसे वाट में मापेंगे और गुड़े टाइम को सेकेंड में लेते हैं, तो वाट गुड़े सेकेंड जो हो गया वो ऊर्जा का मात्रक हो गया, कार्य का मात्रक हो गया। बहुत से बच्चे जो है त्रुटि बस गलती से ये बोल जाते हैं कि जैसे उनसे पूछा जाएगा कि वाट गुणे सेकेंड किसका मात्रक है, तो वाट से फट दे कह देंगे कि शक्ति का मात्रक है, क्योंकि वो जानते हैं कि वाट शक्ति का मात्रक होता, तो वो गलत हो जाता है। यहां पर मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी पावर या शक्ति में समय के मात्रक से गुणा हो जाएगा तब वो जो है बन जाएगा आपका कार्य अथवा ऊर्जा। इसी सूत्र को आप पक्षांतर करके देख सकते हैं। अभी इसकी हम बात करते हैं, तो आगे हम लोग बेटा अभी चलते हैं इसी में। तो
तो आप जैसे बेटा देखते हैं कि आपके बल्ब पर लिखा रहता है वाट, ये 100 वाट। तो अगर आपका बल्ब पर पावर यही है, पावर पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, तो अगर पावर बेटा 100 वाट आपके बल्ब पर लिखी हुई है, यही पावर 100 वाट लिखी रहती है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 सेकेंड में ये कितना कार्य करेगा। तो W बाई टी, टी का मान 1 सेकेंड हो गया। तो देखिए कार्य बराबर 100 वाट है, और 100 वाट को ही बेटा हम लोग कहते हैं, फिर कहेंगे 100 जूल प्रति सेकेंड, 100 जूल प्रति सेकेंड। यहां पर देखिए वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड है, तो 100 वाट को कोई भी बच्चा बोल सकता है 100 जूल प्रति सेकेंड। अतः 100 वाट का बल्ब प्रति सेकेंड 100 जूल वैद्युत ऊर्जा आपके बोर्ड से लेगा, अथवा आप ये कहेंगे कि 100 जूल वैद्युत ऊर्जा वो खर्च कर रहा है, अथवा आप ये कहेंगे कि 100 वाट का बल्ब जो है प्रति सेकेंड 100 जूल उष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा दे रहा। सीधा आंसर, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप सीधे ऐसे बोलेंगे कि हम जानते हैं वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड। जब इसी तरह से 60 वाट का बल्ब 60 जूल प्रति सेकेंड वैद्युत ऊर्जा कंज्यूम कर रहा है, खर्च कर रहा है अथवा ले रहा है, अथवा आप ये कहेंगे कि उसके एवज में, चूंकि ऊर्जा का विनाश होता नहीं है, इसलिए उतनी ऊर्जा हमें वो प्रकाश के रूप में या उष्मा के रूप में देगा, अथवा उसी को आप कहेंगे कि इतना कार्य वो प्रति सेकेंड कर रहा है। देखिए ना, 100 वाट बराबर बेटा आप लिखेंगे 100 जूल प्रति सेकेंड, 100 जूल प्रति सेकेंड, तो कितना कार्य कर रहा है, 100 जूल का कार्य। देखिए ना, ये डब्ल्यू का मान 100 जूल हो गया, टाइम 1 सेकेंड टू 1 सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 100 वाट का बल्ब प्रति सेकेंड कितना काम कर रहा है, तो आप कहेंगे 100 जूल काम कर रहा है। ऐसे ही 60 वाट का बल्ब 1 सेकेंड में कितना कार्य कर रहा है, तो आप कहेंगे 60 जूल का काम करेगा। क्लियर हो गया, चलते हैं आगे। कहते हैं ऊर्जा का बड़ा मात्रक। तो बेटा ऊर्जा का बड़ा मात्रक जो है, हम लोग किलोवाट घंटा पढ़ते हैं, जिसे यूनिट कहते हैं। तो ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक जरा देख लें, जिसे हम लोग यूनिट कहते हैं। यूनिट क्या है बेटा, इसे हम लोग BTU कहते हैं। BTU भी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं, BTU। तो अब BTU ना बोल के हम लोग शॉर्ट में इसे यूनिट कहते हैं बेटा, और ये यूनिट जो है ऊर्जा का बड़ा मात्रक, ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। इस तरह से बेटा एक यूनिट बराबर होता है, देख लें, एक यूनिट जो हम लोगों के घरों में बिजली आती है बेटा, जिसको यूनिट हम लोग कहते हैं, कभी कभी गलत आ जाती है, तो इसी यूनिट को ठीक कराना पड़ता है कि हमारे घर का बिल ज्यादा आ रहा है, तो उसकी यूनिट क्यों ज्यादा बता रहा है, हमारा मीटर देखे तेज चल रहा है कम चल रहा है, ये सब बातें आने लगती हैं। तो वही यूनिट और बड़ा मात्रक है, तो एक यूनिट बराबर होता है किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा, KWH किलो वाट घंटा, यानी एक यूनिट को ही 1 KWH यानी किलो वाट घंटा कहेंगे। नोट करें, KWH यानी जहां किलो वाट घंटा आ जाएगा उसी को एक यूनिट कहेंगे। तो इस तरह से हो गया, एक यूनिट बराबर 1 किलो वाट घंटा बराबर 1000 वाट हो जाएगा। 1 किलो में 1000 होता है, तो किलो शब्द हट जाएगा, तो हो जाएगा 1000 वाट घंटा। देखिए अभी आ गया ना, वाट में समय से गुणा हो गया, वाट गुणे घंटा, ये किसका मात्रक हो गया, ऊर्जा का मात्रक हो गया, ये किसका हो गया, ऊर्जा का बड़ा मात्रक हो गया। ये भी देख लें,
बहुत पूछता है, ये भी 1 लाख बार पूछा है, इतना सेलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा कि हमेशा हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये भी पॉइंट्स बहुत हाईलाइट है कि पूछता है कि 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं। तो अभी आप देख लेते हैं, 1 यूनिट को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं और बराबर हो गया 1000 वाट घंटा, बराबर हो जाएगा बेटा 1000 वाट। वाट को हम लिख सकते हैं जूल प्रति सेकेंड, वाट के जगह पर जूल प्रति सेकेंड, देखिए ना, वाट बराबर जूल बटे सेकेंड है, तो इस वाट के जगह पर जूल बटे सेकेंड भी हम लिख सकते हैं, और गुणे घंटा, 1 घंटा में बेटा 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो बराबर अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो बराबर हो जाएगा 3600 सेकेंड। क्लियर। अब अगर गुणा करें बेटा तो यहां हो जाएगा 3.6, यही मान हो जाएगा बराबर, आगे लिख देता हूं, बराबर हो गया 3.6×10^6 जूल। देखिए ना, ये सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, यहां दशमलव लगा देंगे तो 3 इधर संख्या बच रही है और इधर जो है आपका 3 बच रहा है, तो हो जाएगा 6। इस तरह से हो गया 3.6×10^6 कितना पावर आ जाएगी, 6 हो जाएगा, इतना जूल हो गया, ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, देखिए जूल बच गया। और हम लोग जानते हैं जूल किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है, कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इस तरह से यूनिट भी हमारी जो है बेटा वैद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक है, और यही प्रश्न 1 लाख बार पूछा है कि 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं। तो 1 यूनिट में बेटा 3.6×10^6 जूल होते हैं, और 1 यूनिट को 1 किलोवाट घंटा भी कहते हैं, इसे नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जो है इसे सॉल्व करके दिखा भी सकते हैं इस तरह से कि 1 यूनिट में कैसे जो है 3.6×10^6 जूल होता है। आगे बेटा हम लोग अब इसी को और यूनिट ज्ञात करना हम लोग देखें, तो यूनिट बराबर होता है, अगला पॉइंट नोट करें, यूनिट कैसे ज्ञात करेंगे, तो अगली पॉइंट है यूनिट बराबर होता है वाट×घंटा/1000। ये फार्मूला बेटा वाट×घंटा/1000 कैसे आया ये मैं बता दे रहा हूं, अभी ध्यान से देख लें। किलो वाट घंटा ऊर्जा का मात्रा हो गया, किलो वाट में घंटा से गुणा हो गया बेटा। तो इस तरह से अगर वाट में, क्योंकि हम लोगों के इक्विपमेंट घरों में वाट होते हैं, किलो वाट में कम होते हैं, सारे बल्ब आपके वाट में है, कोई 150 वाट का इंस्ट्रूमेंट है आपका, कोई 60 वाट का बल्ब है, कोई 100 वाट का बल्ब है, कोई 60 वाट का पंखा है, कोई 80 वाट का पंखा है, कोई इस टाइप से, तो सारे घरों के आपके जितने भी वोल्टेज हैं उनको आप जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कि भाई 500 वाट है या 1000 वाट हम लोग यूज करते हैं, और कई घंटा आप अपने घर में यूज करते हैं। तो इस तरह से फार्मूला वाट×घंटा, और इसी वाट को किलो वाट में बनाने के लिए 1000 से भाग हो जाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1000 वाट/1 किलो वाट या 1 किलो वाट/1000, इसलिए वाट×घंटा में 1000 से भाग देते हैं। यही बराबर हो जाएगा वोल्ट एम्पियर, वोल्ट×एम्पियर×घंटा/1000, तब भी बेटा यूनिट ज्ञात हो जाए। देख लीजिए ध्यान से, अगर वाट वाटेज मालूम है तो भी, और कितने वोल्ट पर कै एम्पियर धारा कितने घंटे तक आपके इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, अगर उसमें भी 1000 से भाग दे देंगे तो हमारा जो है यूनिट ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह से बेटा ये इस चैप्टर से जितने भी मेन टॉपिक्स थे और अच्छी पॉइंट्स थी, वो सारे आपको फार्मूले थे, उनके मात्रक सारी बातें बता दी गई हैं। अब ये चैप्टर समाप्त होता है, अब हम लोग इस पर
न्यूमेरिकल करेंगे कि उसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आईआईटी में सीपीएमटी में आपके आरआरबी रेलवे में जितने भी सिलेक्टेड पूछे गए प्रश्न हैं वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को।